हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है उसमें हम सीखेंगे जो हम स्ट्रिंग यूज़ करते हैं आरसीसी के वर्क में, जो आरसीसी का काम होता है, कॉलम हुआ, बीम हुआ, वॉल हुई, स्लैब हो गई, इसमें जो हम स्ट्रिंग यूज़ करते हैं, तो स्ट्रिंग को हम किस टाइम पीरियड में कब हटाना चाहिए, कौन से स्ट्रक्चर पर कब हटाना चाहिए, वो सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊँगा। वो भी एज पर IS स्टैंडर्ड, इंडियन स्टैंडर्ड जो 4456 जो है उसके अकॉर्डिंग, कि कब कब हमें ये हटाना चाहिए, सेफ पीरियड कब रहता है, तो उसी रिलेटेड आज मेरी वीडियो है। और जो भी है उसमें जो सीमेंट यूज़ करते हैं, OPC यूज़ करते हैं, RHC करते हैं, तो OPC में कब हटाना चाहिए, RHC में कब हटाना चाहिए, सब कुछ इसमें है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीन शॉट लीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, डी शटरिंग ऑफ फॉर्मवर्क, फॉर्मवर्क बोलते हैं शटरिंग को, ठीक है दोस्तों, शटरिंग को बोलते हैं। और कि रिमूव ऑफ फॉर्मवर्क टाइम, कि जो स्ट्रिंग हटाने का टाइम, स्ट्रक्चर रिमेंबर, कि जो जो स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग है ये सारा मैंने बनाया है। एक दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, तो बीम, साइड, वॉल्स एंड कॉलम्स। अगर दोस्तों ये चीज़ है, बीम है, वॉल्स हैं और कॉलम्स हैं, और OPC सीमेंट है, OPC मीन्स ऑर्डनरी पोर्टलैंड सीमेंट, अगर ये सीमेंट यूज़ करें, ऑर्डनरी पोर्टलैंड सीमेंट, और RHC होता है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, OPC में हम इसको रिमूव करेंगे, स्ट्रिंग को डी स्ट्रिंग करेंगे एज पर IS 456 दो से तीन दिनों में, और RHC का सीमेंट हमने यूज़ किया है उस स्ट्रक्चर में काम करने में, तो टू डेज में, दो दिनों हटा लेंगे। स्लैब का है, स्लैब अगर वर्टिकल सपोर्ट रिमेंस इंटैक्ट, ठीक है दोस्तों, तो हम इसको चार दिन में हटा लेंगे, और अगर हमने OPC यूज़ किया चार दिन में, और अगर RHC यूज़ की तो थ्री डेज में। उसी तरह स्लैब कंप्लीट फॉर्मवर्क रिमूवल, सारा सब कुछ हटा, मतलब जितनी भी है स्ट्रिंग टोटली हटाई ली जाएगी, तो 10 डेज में, अगर OPC सीमेंट है तो यूज़ की हमने, और अगर RHC यूज़ की है तो 5 डेज में। और बीम्स में, बीम्स रिमूवल ऑफ सीटिंग प्रॉप्स रिमेन इंटैक्ट, तो इसको हम हटा लेंगे, मतलब करेंगे 8 डेज में, और अगर हमने सीमेंट यूज़ की है RHC तो 5 डेज में। और बीम्स आर्चिस कंप्लीट फॉर्मवर्क रिमूवल अप टू 6 PAM, अगर 6 मीटर तक बीम है आपका और आर्च है तो उसको हम हटाएंगे, अगर OPC सीमेंट है तो 14 डेज में, और RHC सीमेंट है तो 5 से 8 डेज में। दोस्तों RHC सीमेंट का मैं आपको बता देता हूँ, ये रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होती है, ये जल्दी पकड़ करती है, जैसे हमारे जो रेलवे के जो स्लीपर वगैरह होते हैं, और भी जो बिल्डिंग वगैरह जिसको टाइम पीरियड कम होता है, जल्दी उसको बनाना होता है, तो उसके लिए हम RHC सीमेंट यूज़ करते हैं, क्योंकि जो उसकी मजबूती है, जो स्ट्रेंथ पकड़ने की जो टाइम है वो बहुत जल्दी पकड़ती है, इसका टाइम पीरियड कम होता है, इसका ज़्यादा होता है OPC का, तो इसलिए। और अपना ये बीम का हो गया अपना 6 मीटर तक स्पैम है, तो 14 डेज OPC के लिए, और RHC के लिए 5 to 8 डेज। और बीम्स आर्चिस कंप्लीट फॉर्मवर्क रिमूवल मोर देन 6 मीटर, अगर 6 मीटर से ज़्यादा बीम है, आर्च है, तो उसके लिए अगर OPC सीमेंट है 21 दिन और RHC सीमेंट है तो 8 से 10 दिन के अंदर। और दोस्तों इसके लिए RCC वर्क के लिए जो क्यूरिंग है वो प्रॉपर होनी चाहिए, जो कि 7 डेज होती है, प्रॉपर कीजिए, और यही है, मतलब कि क्यूरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्यूरिंग का जो 7 डेज का जो पीरियड है वो ज़रूर इसको करना चाहिए, क्यूरिंग ट्राई करनी चाहिए। और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।